हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम हीरो मोटर में एक स्ट्रेटजी शेयर करेंगे सेल साइड लेने के लिए। ये मेरा कोई व्यू नहीं है कि ये स्टॉक गिरने वाला है, ये एक इंट्राडे के पर्पस से सेल साइड डिसीजन आप ले सकते हैं किस बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं हीरो मोटर में एक अच्छा खासा तेजी देखी गई है। अगर देखा जाए टेक्निकली लेवल के बेसिस पे, तो टेक्निकली लेवल के बेसिस पे 2948 एक इम्पोर्टेंट टारगेट था, उसके ऊपर जाकर के क्लोज किया। एक ही दिन में 77 रुपीज फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में इसमें भागते हुए देखा गया। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखा जा सकता है और ये डाउन ट्रेंड फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डाउन साइड आप प्ले कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे और इंट्राडे के पर्पज से। ये स्टॉक कहीं ना कहीं जो फ्राइडे का हाई है 3049 और बाई लेवल जो है ये अगर ऊपर की तरफ नहीं कटता है और स्टॉक में नीचे की तरफ गिरावट होती है 3015 के नीचे सस्टेन करने लगता है, तो हम एक नीचे की तरफ टारगेट ले सकते हैं 2971 के आसपास। मींस कि 30 पॉइंट, मिनिमम 30 पॉइंट के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक को बेच सकते हैं। मीन्स कि 5000 रुपीज 300 का लॉट साइज है ऑलमोस्ट, तो 300 के बेसिस पे आपको अगर 20 पॉइंट भी मिलता है तो 6000 रुपये बन जाते हैं। तो चांसेस ये है कि ये हाई ना कटे, और हाई कट जाएगा तो फिर क्या करना है, हाई कट जाएगा तो फिर से 40-50 के नीचे ट्रेड होने लगे। मीन्स कहीं ना कहीं ये 3063 इसके आसपास का हाई लगा करके रिवर्स करे 3050 के नीचे, तो आप जितना भी ऊपर जाए और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा 3095 के आसपास। मीन्स कि 3063 3073 3083 इसके आसपास मिलता है, या तो इसके नीचे आए तो सेल करें, वरना 3095 का स्टॉप लॉस लगा करके, माइंड में स्टॉप लॉस लेना है, ये ऊपर 10 मिनट 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी कारणवश गैप अप खुल जाता है तो अलग बात है। चांसेज क्या है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस प्ले होगा और यहाँ से जो पोजिशनल टारगेट है इस स्टॉक का कहीं ना कहीं सोमवार या मंगलवार तक 2938-2950 के आसपास आएगा। मीन्स कि जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छा होगा बेचने के लिए। आपको 20 पॉइंट के लिए इंट्राडे ट्रेड करना है, कहीं ना कहीं 3063-3073 इस लेवल पे भी सेल कर सकते हैं, या 3040 के लेवल पे भी सेल कर सकते हैं, या 3010 के नीचे सेल करते हैं तो उसमें रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होगा डाउन साइड। अप साइड में अगर जाता है तो 3095 का स्टॉप लॉस लगा करके आप सेव कर सकते हैं, वो अप ट्रेंड का लेवल होगा। लेकिन ऊपर के लेवल से अगर गिरता है 3010 के आसपास ट्रेड करने लगता है 5-10 मिनट, तो आप वहां ट्रेड कर सकते हैं 20 पॉइंट के लिए। मीन्स कि 3080 3090 या 3070 71 एक मेजर सपोर्ट लाइन है, और पोजिशनल टारगेट जो एक से दो दिन के अंदर में 2937 आ सकता है। ये मेरा व्यू है। एक्चुअली ये स्टॉक तेजी में है और 3260 रुपये का टारगेट के लिए इंटैक्ट है, लेकिन उससे पहले 2940-2950 एक बार आने के पूरे पूरे चांसेज है। जो भी गैप अप खुला है उसको रिवर्स करेगा, फिर से तेजी आएगी, ये चांसेज है इस स्टॉक में। तो एक छोटा सा स्ट्रेटजी है, बाकी जो भी व्यू होगा हम देखेंगे आने वाले टाइम, मार्केट पीरियड में कोई चेंजेज भी होगा तो मैं चेंज करके अपना अपडेट दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।